हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट मूवी चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं CISF हेड कांस्टेबल के एडमिट कार्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने इसका फॉर्म भरा था वो काफ़ी बेसब्री से इसके हॉल टिकट का इंतजार कर रहे हैं, जो अभी तक कोई इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कई तरह की वेबसाइट है, वहाँ पर कुछ ना कुछ अपडेट्स आते रहते हैं। काफ़ी टोल फ्री नंबर पर लोगों ने कॉल किया, उसके बाद एक अपडेट आई है कि जो इसका हॉल टिकट आने वाला है वो है अप्रैल के एंड ऑफ द मंथ में इसका हॉल टिकट आ जाएगा। और जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा था कि जब इसका हॉल टिकट आएगा उसके एक हफ्ते बाद ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो आपको आने वाला है एडमिट कार्ड वो होगा आपका HBT एंड डॉक्यूमेंटेशन के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा नोटिफिकेशन में कि सबसे पहले आपका DV होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपने जिन जिन स्टेट्स में अप्लाई किया था वहाँ के हेड ऑफिस में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका जो मतलब डॉक्यूमेंट जिसका ओके होगा उनके वापस से एक जारी होगा, मैसेज आएगा कि उनका एग्ज़ाम कौन से डेट पे रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पहले आपका डॉक्यूमेंट फेशन होगा, सबसे पहला स्टेप आपका यही होगा। तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि इस समय 20 तारीख आज हो चुकी है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 7 डेज का टाइम है। इस 7 डेज में कभी भी CISF अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका हॉल टिकट जारी कर सकता है। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है वेबसाइट पर, हाउ टू डाउनलोड CISF हेड कॉन्स्टेबल एडमिट कार्ड 2019। कैंडिडेट कैन फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो फॉर डाउनलोडिंग द ई एडमिट कार्ड। आपको हॉल टिकट कैसे डाउनलोड करना है उसका स्टेप देखिए यहाँ पे बताया हुआ है, तो आप सभी देख सकते हैं जिन जिन लोगों ने इसका फॉर्म भरा है। क्लिक द अबोव प्रोवाइडेड लिंक एज एडमिट कार्ड विल बी रिलीज डायरेक्ट एडमिट कार्ड लॉग इन पेज विल लिंक विल बी अपडेटेड अबाउन द पेज। आप जैसे ही क्लिक करेंगे सीधा आपको एक अलग पेज पर लेके जाएगा जहाँ पे इसका लिंक दिया जाएगा। देयर आफ्टर द लॉग इन पेज अपीयर्स ऑन द न्यू स्क्रीन। आपको नए पेज पे लॉगिन के लिए दिया जाएगा जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट स्टेप में, आफ्टर फिलिंग ऑल द डिटेल्स हिट द एंटर बटन। देयर आफ्टर एडमिट कार्ड पेज अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। क्लिक एट द डाउनलोड ऑप्शन फॉर डाउनलोडिंग द CISF हेड कॉन्स्टेबल एडमिट कार्ड। जो दोस्तों, जब आपका हेड कॉन्स्टेबल का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा तो आपको उसमें डेट दिया होगा कि आपको किस दिन DV के लिए जाना है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आपके जोन में, जिस जोन से आपने अप्लाई किया था उस जोन के हेड ऑफिस में आपको जाना होगा, और वहाँ पर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किया था वो, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि 10th 12th जो अपने मार्कशीट होगी, कास्ट में है तो कास्ट सर्टिफिकेट, OBC में तो OBC के सर्टिफिकेट, जो भी है नॉन क्रिमिनल वाला, इस पे आप ध्यान दीजिए क्योंकि उनका डेट्स वैलिडिटी में भी काफ़ी गौर किया जाता है। तो आप अपना देख लीजिए कि आपका वैलिड है या नहीं है, तो इन सब बातों पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास बचा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 7 डेज का टाइम है, और आप अपनी तैयारी में लग जाइए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ओके हैं तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं, आपके पास सिर्फ 7 डेज का टाइम है। तो जल्द से जल्द आप अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि एक हफ्ते के बाद आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बैठना होगा। जी हाँ दोस्तों, एक हफ्ते के बाद लगभग, यानी कि मई के 1st या 2nd वीक में, अप्रोक्सीमेटली 2nd वीक में ही एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि DV आपका मई के 1st वीक में कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, जल्द से जल्द इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन टाइम है दोस्तों, साथ में इलेक्शन चल रहा है, जिसकी वजह से प्रोसीजर काफ़ी स्लो हो चुका है। काफ़ी गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इलेक्शन ड्यूटीज़ में जाते हैं, जिसके वजह से उनका काम पेंडिंग हो जाता है, जिसके वजह से ही ये CISF की भर्ती और भी रेलवे की भर्ती है काफ़ी जिन पे प्रभाव पड़ रहा है। आपने देखा होगा कि लोको पायलट का रिजल्ट आया उसके बाद कैंसिल हो गया, RRB के DV अभी तक नहीं हुए, तो इस तरह ये सारी जो प्रक्रिया है वो सब इलेक्शंस के वजह से डिले हो रही हैं। तो अब आपको ज़्यादा चिंता इंतजार करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपडेट आ चुकी है कि आपको अप्रैल के एंड ऑफ द वीक में आपको CISF हेड कॉन्स्टेबल का एडमिट कार्ड मिल जाएगा। आप अपने DV के लिए रेडी हो जाइए। तो दोस्तों, ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो इसके बारे में तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए और आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सरकारी नौकरी से संबंधित कोई भी अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।